सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में EKYC अनिवार्य कर दिया गया है। सभी सेविका और सहायिका बहनों को पोषण ट्रैकर ऐप में EKYC करना बहुत ही ज़रूरी है। पोषण ट्रैकर ऐप में EKYC करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कुछ सेविका बहनों को, जो कमेंट करके पूछ रही हैं कि हमारा जो EKYC है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, एरर की प्रॉब्लम आ रही है, पिन जनरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, आप लोगों को करना क्या है कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप में सिंपल सा आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग EKYC कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप EKYC करने जा रहे हैं तो सेविका हो या सहायिका हो, दोनों का आधार वेरीफाई कम्प्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग आसानी से EKYC कम्प्लीट कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों को करना क्या है, पोषण ट्रैकर सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना है, ठीक है। वो पोषण ट्रैकर ओपन करने के बाद आपको मोर वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे सेविका का जो प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगा। तो आपको व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि EKYC करने से पहले सेविका हो या सहायिका हो, उनका आधार वेरीफाई कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, पहले हम आप लोगों को आधार वेरीफाई के बारे में बताते हैं, आधार वेरीफाई कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर आप वहां पे जाके EKYC को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आधार वेरीफाई करना है। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे 3 डॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक और पेज खुल के आ जाएगा, माई प्रोफाइल, यानी कि ये सेविका का प्रोफाइल है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ जिस प्रकार से आधार कार्ड पे दिया गया है वो आपको यहाँ पे सही फिल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको माय प्रोफाइल के नीचे यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमने जो प्रोफाइल अपडेट किया है वो यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है या नहीं। ग्रीन टिक आ जाएगा, यानी कि आपका जो आधार वेरीफाई है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस प्रकार से एरर देखने को मिल जाती है तो आप लोग समझिए कि आपके आधार में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आप आधार टाइप करते समय कोई गलती किए होंगे, तभी आप लोगों को यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। या फिर आपके आधार में कोई चेंजेस वगैरह, अपडेट वगैरह हुआ होगा तो यहाँ पे आप आधार को वेरीफाई नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि आप लोग अपना आधार को अपडेट कराए होंगे और आप पुराने वाले आधार से ही यहाँ पे आधार वेरीफाई कर रहे होंगे, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान में रख के यहाँ पे आधार वेरीफाई कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमारी सहायिका का जो प्रोफाइल है उसको भी अपडेट कर लेना है। यहाँ पर अपडेट AWS प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेविका का जो आधार डिटेल्स है वो भरेंगे। आधार में जो नाम है, जो आधार नंबर दिया गया है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी डिटेल्स डाल के यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। सहायिका का भी यहाँ पे आधार अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगला जो प्रोसेस है आप लोगों को EKYC का, तो अब आप लोग यहाँ पे EKYC आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपका EKYC जो है आसानी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट EKYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज खुल के आएगा, मेरी पहचान, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे ही आप लोग OTP फिल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पिन जनरेशन का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यानी कि DigiLocker के साथ आपका जो अकाउंट है वो लिंक किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन बनाना है। जैसे कि आपको 6 डिजिट का कोई भी याद रहने वाला पिन आपको यहाँ पे बना लेना है। अगर आपको पिन बनाते हैं और आप लोग पिन भूल जाते हैं, दोबारा आप लोगों का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हम आपको लोगों को पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि आप लोगों को 2 प्रोसेस के साथ यहाँ पे EKYC किया जाता है। जैसे कि पहले प्रोसेस में अपना जो आधार है वो आपको यहाँ पर लिंक कराना होता है,
फिर दोबारा आप लोग यहाँ पे जाके इसको ही KYC कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पिन जनरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पिन को भूल जाते हैं, फॉरगेट पिन पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा डालने के लिए, आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वो आपको यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो फिर आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोल रहा है सेट योर डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन, यानी कि आप यहाँ पे नया पिन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, आप लोग आधार नंबर डाल के, कैप्चा कोड डाल के और OTP डाल के जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। इस पर आप लोगों को डेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो KYC है वो 100% यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है पोषण ट्रैकर ऐप में KYC करने के लिए, ठीक है। तभी आप लोगों का जो है कि यहाँ पे 100% KYC कंप्लीट हो पाएगा। आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझा दिया है। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को KYC से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।